अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का हमारा व्लॉग का टॉपिक है तहरीके अदम एतमाद क्या है। तहरीके अदम एतमाद से मुराद वो वोट या वो बयान है जो किसी सरकारी या तंजीमी अहदेदार के खिलाफ दिया जाता है कि ये अहदेदार मजीद इस अहदे को संभालने के लायक नहीं है। अदम एतमाद का इस्तेमाल अक्सर इस वक्त होता है जब कोई सरकारी या तंजीमी अहदेदार कोई ऐसा कदम उठाए जो आइन, कानून और ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ हो। सरकारी तौर पर अक्सर तरीके अदम एतमाद या अदम एतमाद बिल उस वक्त पार्लिमान में लाया जाता है जब कोई हुकूमत अहदेदार कोई ऐसा कदम उठाता है जो आइन व कानून के ख़िलाफ़ हो या ऐसा इकदाम जिससे मुल्क की बदनामी और नुकसान हो। पार्लिमान में अक्सर अदम एतमाद का बिल हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से पेश किया जाता है जिस पर अरकान पार्लिमान अपना वोट देते हैं। अगर किसी वज़ीर आज़म को बरतरफ करना हो तो वफाकी कानून साज एमानों में बिल पेश किया जाता है। अगर सूबाई सत्ता पर किसी अहदेदार वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर को हटाना हो तो सूबाई कानून साज एवानों में बिल पेश किया जाता है। हमारे ये था तरीके अदम एतमाद जो आजकल तहरीक पाकिस्तान में ज़ोर शोर पर चल रही है। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।